ये बनाने से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जब तक जनता का जनादेश न मिल जाए। यह स्पष्ट है कि बिहार में जिस तरह का भय, भूख और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जहां पूरी तरह कानून व्यवस्था फेल है, पिछले समयों में जो बिहार के लोग थे, जितनी यातना, परेशानी और कष्ट का सामना किए हैं, कोरोना काल में जिस तरह उनके साथ भारत सरकार ने, बिहार की सरकार ने व्यवहार किया है, लोग भूले नहीं हैं। पैदल, भूखे, नंगे चलकर जो लोग घर पहुंचे हैं, वह इस बार नीतीश कुमार जी को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए मन में पूरी तरह ठान चुके हैं। जहां नौजवान, वहां के कर्मचारी और तमाम विषयों और मुद्दों की राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण बिहार की सरकार ने जो कार्रवाई की है, वह बिहार की जनता भूली नहीं है। यह स्पष्ट है कि नीतीश जी और भाजपा जाने वाली है महागठबंधन, यूपीए वहां आने वाली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।